कोरोना महामारी को लेकर राज्य सरकार के आदेशों की पालना करवाने के लिए उपायुक्त मुकुल कुमार ने स्वयं कमान संभाल ली है। उपायुक्त मुकुल कुमार ने लॉकडाउन की पालना करवाने के लिए शहर में फ्लैग मार्च किया। इस दौरान दुकानों को खोलने वाले लोगों को समझाया कि दुकानों को 6 बजे के बाद बंद रखा जाए। उपायुक्त मुकुल कुमार ने आज देर शाम 6 बजे के बाद अधिकारियों के साथ शहर का फ्लैग मार्च किया। उपायुक्त ने सबसे पहले मुख्य बाजार का निरीक्षण किया और उसके बाद रेलवे रोड मोहन नगर बाजार का पैदल घूमकर निरीक्षण किया। उसके अलावा शहर के विभिन्न बाजारों को भी चेक किया। इस दौरान उपायुक्त मुकुल कुमार के साथ केडीबी के सीईओ अनुभव मेहता, नगराधीश चंद्रकांत कटारिया सहित अन्य अधिकारियों ने खुली दुकान संचालकों से बातचीत करके राज्य सरकार के आदेशों के बारे में विस्तार से जानकारी दी और दुकानों को बंद भी करवाया। उपायुक्त ने कहा कि आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नियमानुसार सभी दुकानों को 6 बजे के बाद बंद रखा जाएगा। इस दौरान आवश्यक वस्तुओं वाली दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई है। पहले दिन सभी लोगों से आदेशों की पालना करने की अपील की गई। सभी जगहों से दुकानों से अच्छा सहयोग मिला है और दुकानदारों ने अपनी दुकानों को बंद रखा है। उन्होंने कहा कि इस महामारी के प्रकोप को रोकने के लिए सभी पहले की तरह सहयोग करेंगे। बता दें कि आज शाम 6 बजते ही नई गाइडलाइन के अनुसार जहां प्रशासनिक अधिकारी, उपायुक्त व अन्य पुलिस अधिकारी भी बाजारों को मुआयना करने के लिए पहुंच गए, वहीं दुकानदारों ने भी 6 बजते ही अपनी दुकानों को बंद करना शुरू कर दिया। आज पहले दिन जिस प्रकार दुकानदारों ने प्रशासन को सहयोग किया और प्रशासन ने पूरे लाव लश्कर के साथ बाजारों का और शहर के विभिन्न क्षेत्रों का फ्लैग मार्च किया, उसे देखकर एक बात तो स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में दुकानदार इस नई गाइडलाइन का पूरी मुस्तैदी के साथ पालन करेंगे। हम सभी जानते हैं कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट को कोरोना गाइडलाइंस की कैटेगरी ए में शामिल कर दिया गया है, मतलब 6 बजे के बाद सभी बाजार बंद रहेंगे, जिसका पालन कराने के लिए आज प्रशासन मुस्तैद है और कोशिश कर रहा है, लोगों से अपील कर रहा है। सर, कई ऐसे भी जैसे दुकानें हैं, जिम की अगर बात करें उसके बारे में कोई गाइडलाइन आई हो या कोई एसेंशियल है, कौन कौन सी दुकानें प्रॉपर टाइम पे खुलती रहेंगी एज यूजुअल और कौन सी दुकानें जो हैं वो जो है बंद रहेंगी? केवल मेडिसिन और डेयरी की दुकानें खुली रहेंगी 6 बजे के बाद भी, बाकी सारी दुकानें बंद करने के आदेश हैं। सर, कुछ पार्शियलिटी तो नहीं होगी? एसएचओ साहब सामने खड़े हैं, पुलिस प्रशासन के एसएचओ हैं, मैं सर जानना चाहूँगा पार्शियलिटी की जाती है? एक दुकानदार आपका कहना मान के प्रॉपर बंद करके बैठा है, लेकिन कुछ जो है दूध की आवाज़ में जो है पीछे किराना बेच रहे हैं, कई ऐसी दुकानें हैं, उनके बारे में क्या किया जा सकता है, उनको क्या किया जाए? कोई बात नहीं सर, कोई हिदायत दी गई है 6 बजे के बाद सभी दुकानें बंद। तो सर, आगे अगर मान लीजिए किसी तरह की गाइडलाइन बढ़ती है तो किस तरह इन्फॉर्म किया जाएगा जनता को, टाइमलाइन का कैसे देखा जाएगा, उसके बारे में क्या बताएंगे? जैसे जैसे सरकार की हिदायतें आएंगी वैसे वैसे लोगों को जागरूक कर दिया जाएगा अखबार की और मीडिया के माध्यम से। आप लोगों का साथ बीच में बड़ा जरूरी है और लोगों के सहयोग से तो सर गवर्नमेंट की तरफ से नई इंस्ट्रक्शंस आ गई हैं कि मार्केट प्लेसेस और शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस में 6 बजे के बाद दुकानें बंद हो जाएंगी, तो उनको कंप्लायंस कराने के लिए आज हमने ये विजिट करिए पूरे शहर की और लोग इसमें हमारा सहयोग भी कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मोस्टली दुकानें बंद हो चुकी हैं और आने वाले दिनों में और भी इसकी स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन की जाएगी।